हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं अक्षर राठौर और आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का वीडियो है, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा जिन सवालों का जवाब ना आपके पास होगा और ना ही साइंस इन सवालों का जवाब दे पाई है। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि ये सवाल बच्चों द्वारा अपने क्लास टीचर से पूछे गए हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जरूर अपने क्लास टीचर से इन सवालों का जवाब पूछना। पहला सवाल, साइकिल दो पहियों पर कैसे चलती है? दोस्तों किसी को भी नहीं पता कि साइकिल दो पहियों पर कैसे चलती है। बहुत से लोगों ने थ्योरी देने की कोशिश करी, बहुत से साइंटिस्टों ने सोचा, पर इस सवाल के जवाब वो नहीं ढूंढ पाए कि साइकिल दो पहियों पर आखिर चलती कैसे है। यहाँ तक कि जिसने साइकिल बनाया उसको भी नहीं पता कि साइकिल दो पहियों पर आखिर कैसे चलती है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। दूसरा सवाल, हाउ टू वर्क ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण काम कैसे करता है? तो सबको पता होगा कि जब भी पेड़ों से आम गिरते हैं तो नीचे ही गिरते हैं, पर वो गिरते क्यों हैं? गुरुत्वाकर्षण का ये आपको ही पता और हमें पता है, पर वो गुरुत्वाकर्षण काम कैसे करता है? दोस्तों आपको वो पता होगा कि फोर्सेस चार प्रकार की होती हैं, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण हद से ज़्यादा कमज़ोर फोर्स है और हद से ज़्यादा ताकतवर फोर्स है। दोस्तों अभी तक साइंटिस्ट इस बात का पता नहीं लगा पाए कि गुरुत्वाकर्षण काम कैसे करता है। तीसरा सवाल, मरने के बाद क्या होता है? दोस्तों आपको पता है, हमें पता है, बाकी सब लोग भी यही सोचते हैं कि मरने के बाद आदमी नर्क में जाता है, स्वर्ग में जाता है, बट ये सब साइंस इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता है। किसी को भी नहीं पता कि मरने के बाद होता क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। चौथा सवाल, दुनिया का पहला डीएनए कौन सा था? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। आज से पता नहीं कितने साल पहले मनुष्य जाति प्रारंभ हुआ या कितने साल पहले जानवरों के जाति का प्रारंभ हुआ, किसी को भी नहीं पता कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया था, किस तरह से आया था या कब आया था। साइंस ने इन सब बातों पर बहुत ही ज़्यादा खोज की पर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। अगर आपको पता है, पहले पता तो होगा नहीं, पर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर। पांचवा सवाल, हमें क्यों नहीं पता चलता कि हम कब मरने वाले हैं? आपको पता है क्या कब मरने वाले हैं? दोस्तों आज तक अभी तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी जिससे हमें यह पता चल सके कि हम कब मरने वाले हैं। यहाँ तक कि किसी को भी नहीं पता चलता कि वो कब मरेगा, वो 80 क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, 90 क्रॉस करेगा, 100 क्रॉस करेगा, किसी को भी नहीं पता। किसी को भी नहीं, साइंस को भी अभी तक ये नहीं पता चले कि कौन कब तक जिएगा। छठवां सवाल, इजिप्ट के पिरामिड किस तरह से बनाए गए थे? दोस्तों किसी को भी नहीं पता कि इजिप्ट के पिरामिड किस तरह से बनाए गए थे, जिसमें से बहुत सारे पत्थर लगे थे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इजिप्ट के पिरामिड जिन पत्थरों से बने थे वो पत्थर इतने दूर दूर से लाए गए थे, क्योंकि इजिप्ट के पिरामिड एक जगह तो बने नहीं, बहुत सारे जगह और सब जगहों पर एक ही तरह के डिजाइन है। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि तब इंटरनेट के ज़माने नहीं था, तो इसलिए किसी को भी नहीं पता इजिप्ट के पिरामिड कब बने थे। और उस समय इजिप्ट के पिरामिड जिन पत्थरों से बने थे वो ग्रेनाइट के पत्थर थे, जिनके एक पत्थर की वजन था 10 टन। अब सोचो उस टाइम पर पिरामिड बने जिस टाइम पर एक पहिए का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो उस टाइम वो पत्थर इतने दूर से किस तरह से लाए गए होंगे और किस तरह से उन्हें बनाया गया होगा, किसी को भी नहीं पता। साइंस ने बहुत सारी थ्योरी हैं पर एक सिंपल थ्योरी देना आसान नहीं है, ये साइंस ने खुद कहा है। सातवां सवाल, हमारी पृथ्वी के बाहर जो अंतरिक्ष है, सबको पता हमारी पृथ्वी के बाहर स्पेस है यानी अंतरिक्ष है, बट उसके बाहर क्या है? अभी तक साइंस इन सब बातों खोज कर रही है बट उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लग पा रहा है कि हमारी पृथ्वी के बाहर जो अंतरिक्ष है उसके भी बाहर तो होगा कुछ ना कुछ, बट ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि उसके बाहर क्या है। आठवां सवाल है कि पृथ्वी के नीचे क्या है? दोस्तों किसी को भी नहीं पता पृथ्वी के नीचे क्या है, ये जानने के लिए नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा खोदा, बट जब वो गड्ढा खोदते गए तो उन्हें जमीन से एक खतरनाक आवाज आने लगी और उन्हें लगा कि वो नर्क तक पहुंचने वाली, इसलिए वहीं पर उनकी माँ बहन एक हो गई और उन्होंने वहीं से गड्ढा खोदना बंद कर दिया। तो उसे डर डर से कोई नहीं जी।